7.8 के बाद 9 भी। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं 7.9 कह रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद Br2 टू गिव नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन जल्दी से लिखते हैं, 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। ठीक है, वो कह रहे हैं इसके मोल्स है 0.087, इसके मोल्स है 0.0437। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पे वी आर ऑब्टेनिंग, तो ये इनिशियल है ना, ये तो स्टार्ट है ना, इससे स्टार्ट किया है, तो ये कितना होगा, जीरो, ये कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं 0.087 से 2x टूटा होगा और 0.0437 में x ऐड हुआ होगा। ठीक है, और बना क्या होगा NOBr, 2x। यहां तक क्लियर है ये डाउट? माइनस होगा ना x। अच्छा यहाँ माइनस वन से मोलैरिटी पे क्वेश्चन हो सकते हैं, मोल्स पे। ये क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दे रखी थी तो हमने मोल्स लेके किया है। अगर वॉल्यूम दे रखी होगी तो हम मोलैरिटी डिवाइड करके पहले मोलैरिटी निकालेंगे फिर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, तो इसीलिए क्वेश्चन में भी फाइनल आंसर में भी मोलैरिटी नहीं पूछी, उसने अमाउंट पूछा है। अमाउंट की यूनिट क्या होती है, मोल। तो अगर मोल में क्वेश्चन होगा तो मोल ही पूछेंगे, और अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन होगा तो मोलैरिटी, मतलब कंसेंट्रेशन का क्वेश्चन होगा तो कंसेंट्रेशन पूछेंगे, पर दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगता है, सेम कंसेप्ट। तो 2x डायरेक्ट गिवन है तो x निकल जाएगा, x विल बी 0.0518 डिवाइड बाय 2। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, NO और Br2 में x की वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। क्लियर? हाँ हर्षित।